Hello everyone! Welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IS. And in this video, I will discuss quantitative aptitude and logical reasoning questions asked in. एग्जाम okay? हम, हम सेट ए डिस्कस कर रहे थे या सेट ए के कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ और उसी के कॉन्टीन्यूशन के अंदर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो अभी देखिए अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखने हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आप वहां से उसको देख सकते हैं ठीक है तो अब देखो हाँ जी 15th क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16th ऑफ सेट ए ओके द 16th क्वेश्चन क्या था देखिए ए बॉय प्ले विद ए बॉल एंड ही ड्रॉपड इट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड इट बाउंस बैक टू अटेन द हाइट 4/5th ऑफ द प्रीवियस हाइट द बॉल डज नॉट

फोर बाई फिफ्त ओके तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में वन ट्वेंटी okay, अब फिर वहां से फिर नीचे आई ग्राउंड पे ग्राउंड पे यहाँ पे टच किया उसने ग्राउंड फिर बाउंस करी ऊपर चलेगी बॉल अब देखते हैं कि कितने ऊपर जा रही है कितना ऊपर जा रही है, हाँग की, है ना Previous site, okay? तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा है, गलती से 125 लिखा गया 120, okay? इसका कितना हो गया आपके पास में फोर बाई फिफ्थ हो गया तो यहाँ से ये हो गया पांच से पाँच चौबीस चौकी छाण में दैट मींस 96 सिक्स सेंटीमीटर आ गया दिस इज नाइन्टी 96 सेंटीमीटर, दैट मींस कि दोबारा से बाउंस करेगी बॉल मेरी यहाँ पे आई और दोबारा से बाउंस किया बॉल ने तो बॉल बाउंस करेगी यहाँ तक पहुँच गई ओके अगेन 96 का 4 बाई फाइव करेंगे ठीक है 4 बाई फाइव इसका जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी यस दिस विल बी इसको ऐसा करिए हो जाएगा इसको 5 से डिवाइड करने के बजाय हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते थे हो जाएगा 8 से आठ छः अड़तालीस दिस विल बी सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट ओके तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट ओके दैट मीन्स की दोबारा से मेरी बॉल यहाँ पे आई और फिर बाउंस किया उसने ओके okay, जब बाउंस किया तो नेक्स्ट टाइम में देखिए कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी है या दिस इज सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट बाई okay, बाउंस करेगी तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी yes, वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी दिस विल बी नियर पंद्रह पाँच पिछहत्तर पंद्रह चौके साठ सिक्सटी के नियर बाई वैल्यू आएगी अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो ये आ जाएगी आपके पास में आठ से सीधा देखो आठ चौके बत्ते आठ चोट ठीक है तो यहाँ पे अपने पास में बेटा वैल्यू आ जाएगी यस यस नियर बाई सिक्सटी वन पॉइंट टू के नियर बाई वैल्यू आ जाएगी ठीक है यस नियर बाई वैल्यू बताइए मैंने उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अब अगेन 61.2 है, दोबारा से बाउंस करेगी यहाँ से बॉल नीचे आई और दोबारा से उसने बाउंस किया तो बाउंस करके कितनी हाँ तक जाएगी? कितनी हाँ तक जाएगी? अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, तो सीधा वैसे ही, अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो बारह पांच साठ है ना बारह चौके अड़तालीस के नियर बाई जाएगी है ना फोर्टी एट के नियर बाई वैल्यू जाएगी Okay? यहाँ तक गई फिर उसके बाद नीचे आ गई ठीक है अब जब नीचे तो आ गई है ये अब उसके बाद दोबारा से बाउंस करेगी नहीं बाउंस करेगी बिकॉज क्वेश्चन में क्या है कि अगर प्रीवियस हाइट लेस दे तो बाउंस नहीं करेगी बाउंस नहीं करेगी तो उससे हमने बताना कि वट इज द नंबर ऑफ टाइम्स बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप बाउंसिंग अब यहां से नेक्स्ट टाइम के लिए तो बाउंस नहीं करेगी ना बाउंस बाउंस नहीं करेगी। अब अब हमने देखना कितनी बार बार हुआ हुआ? है? है देखो हाँ पे टच ग्राउंड की आंसर क्या आगे आपके पास में ऑप्शन सी okay, सभी को क्लियर लॉजिकली मैंने आपको समझाया कि जी कैसे होगा ओके नेक्स्ट देखिए क्या था आपके पास यस क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इमेजेस ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर कैपिटल के अंदर ऑब्जर्व इन मिरर मिरर इमेज मैंने कराया है आप लोगों को देखो वहाँ पे भी मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास में मिरर में आप देखते हो कैपिटल लेटर्स को तो टोटल इलेवन लेटर्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है इलेवन लेटर्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है और कौन कौन से हैं वो दिस इज एच आई एम ओ ओ के बाद है बच्चे आपके पास टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई ओके कितने हो गए इलेवन हो गए ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इन इलेवन ठीक है तो इलेवन लेटर्स ऐसे हैं जिनकी इमेजेस चेंज नहीं होती है ओके दैट मीन्स बस सिंपल सी बात है कि अपने पास में फिफ्टीन लेटर्स ऐसे हैं जिनकी इमेज चेंज होती है ठीक है चेंज होती है

इसको हम एक को अगर मैं वावल को माइनस करती हूँ तो मेरे पास कितना बच गया 14. That means कि 14 letters ऐसे हैं, 14 consonants ऐसे हैं, जिनकी इमेज चेंज होती है ओके सो आंसर क्या आएगा आपके पास में यस yes. यहाँ पे क्या कह रहा like okay? तो है? कि डू नॉट लाइक देयर ओरिजिनल शेप एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस पॉइंट ओके कॉन्सोनेंट पूछा गया है आपसे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 14 आएगा ओके okay? 15 आंसर नहीं आएगा 14 आंसर आएगा

घर है स्टार्टिंग पॉइंट है अब यहाँ पे कह रहे ट्राइव ट्वेंटी किलोमीटर अब जब साउथ में होते हैं तो बेटा लेफ्ट किधर जाएगा लेफ्ट इधर जाएगा और कितना चला हो ट्वेंटी किलोमीटर शी अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव फोर्टी किलोमीटर अब जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो लेफ्ट जाना दैट मीनस अप जाएगा और कितना चल रहा हो फोर्टी किलोमीटर अब यहां से चला फोर्टी ओके अराउंड इतना हो जाएगा आपके पास में

30 किलोमीटर चल दिया दैट मीन्स कि यहाँ से 30 ऐसे हो गया अगर हम कंसीडर कर रहे थे ये 10 है दैट मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको मान के चलना कि ये अगर 10 है तो ये ऊपर की वैल्यू कितनी है 30, दैट मीन्स कि कहाँ पे पहुंच गया वो यहाँ पे पहुंच गया हाँ जी क्लियर अब उसके बाद में कह रहा है कि रीच टू द बैंक वेयर शी वर्क वट इज द छोटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक और हर हाउस अब यहाँ पे देखो ये हाउस था ये बैंक है

डिजिट इजिट आपको कहा कि टेन होना चाहिए ठीक है अब देखो सात सौ से अगर हजार की बात करूँ तो टेन तो डिजिट यही होगी अब टोटल टेन करना है. कि जो बाकी सम कितना होना चाहिए, आपके पास में थ्री के इक्वल होना चाहिए थ्री कैसे बनेगा या तो हम यहाँ पे थ्री लिख दें या तो हम यहाँ पे थ्री लिख दें एक तो पॉइंट ही हो गया दूसरा है कि ऐसा भी तो हो सकता है

ओके okay, अब हम आते हैं नाइन हंड्रेड की लाइन में अगर नाइन हंड्रेड की बात करें तो नाइन हंड्रेड के अंदर देखिए यस क्या चाहिए मुझे सम नाइन तो है ही है मीन्स एक दोनों डिजिट जो उनका सम कितना होना चाहिए वन होना चाहिए मीन्स क्या होगा या तो ये होगा या फिर ये तो होगा क्लियर ओके अब कह रहे हैं कि टोटल कितने हैं कितने है? देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन कितने हैं टोटल नाइन है बिल्कुल सिंपल है ओके यस नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगेन डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चन है ए वुमन रनस 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ यहां से नॉर्थ में गई है 12 देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ अब जैसे यहां से 12 वो चल दी उससे यहां पे पहुंच गई वो। अब कह रहे हैं कि वापस साउथ में आ गई दैट मींस कि यहां पे पहुंच गई मिड में ओके दैट मींस दिस डिस्टेंस इज 6 एंड दिस इज आल्सो 6 एंड दिस टोटल इज 12, एंड okay? देन 8 किलोमीटर टुअर्ड्स हर ईस्ट अब यहां से ईस्ट के अंदर गई कितना 8 किलोमीटर क्लियर नाउ इन विच डायरेक्शन सी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे था स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे था ये स्टार्टिंग पॉइंट था ये यहां पे पहुंच गई कह रहा है कि जी डिस्टेंस बताओ ठीक है ना हां जी कौन सी डायरेक्शन में सॉरी डिस्टेंस नहीं बताना आप लोगों को डायरेक्शन और एंगल बताना है बेटा ठीक है अब यहां से अगर मैं देखू यहां से अगर मैं देखू कह रहा इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन के अंदर है कौन सी डायरेक्शन है दिस इज नॉर्थ ईस्ट क्या है नॉर्थ ईस्ट है ठीक है अब नॉर्थ ईस्ट की दो ऑप्शन है आपके पास में साथ में एंगल भी बताना है एंगल तो यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर ये वाला जो डिस्टेंस है डिस्टेंस जो है ठीक है अगर ये सिक्स से लेस होता 6 से लेस होता, तो एंगल क्या बनता आपके पास में 45 डिग्री से ज़्यादा का बनता। और ये क्या है? 6 से से ज़्यादा, कि एंगल 45 डिग्री से लेस का बनेगा। तो यहां पे आपके पास में का आंसर आ जाएगा एन एंगल 45 डिग्री हां जी क्लियर बिल्कुल ओके, आर क्यू टी हैव ब्लू कवर्स एंड अदर बुक्स हैव रेड कवर्स अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे आपके पास में वैल्यूज गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आप लिखते हुए चलो यहाँ पे क्या कहा है उसने हाँ जी आर एंड क्यो है ठीक है ब्लू कवर्स के लिए कौन सी है आर क्यू एंड टी ओनली एस एंड यू आर न्यू बुक्स न्यू बुक्स कौन सी हैं यस न्यू बुक्स है आपके पास में एस एंड यू बाकी क्या है आपके पास ओल्ड है बाकी क्या है ओल्ड है और अब उसके बाद में देखो क्या है पी आर एंड एस आर रिपोर्ट्स लारिपोर्ट्स रिपोर्ट्स कौन सी है पी यस पी आर एंड एस आर रिपोर्ट रेस्ट आर गैजेटियर्स ओके नाउ द क्वेश्चन इज बुक ऑफ ओल्ड गैजेटियर्स विद ब्लू कवर्स ओल्ड गैजेटियर्स विद ब्लू कवर्स ये क्वेश्चन है आपके पास में अब देखो यहाँ पे हाँ जी एस और यू एस और यू क्या है आपके पास में हाँ जी एस और क्यों क्या है न्यू है एस और क्यों न्यू है अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेटियर विद ब्लू कवर विद ब्लू कवर और यहाँ पे क्या कह रहा था वो एस और यू क्या है ब्लू कवर है और बाकी की क्या है आपके पास में ओल्ड कवर है बाकी क्या है ओल्ड कवर है तो अगर हम ओल्ड की बात करें यहां पे तो ओल्ड अपने पास में कौन कौन सी हो गई एस और यू को छोड़ के हाँ जी एस और यू को छोड़ के अगर मैं ओल्ड देखू ओल्ड तो कौन कौन सी है अपने पास में यस पी क्यू आर टी एंड वी ओके तो यहां पे देखो ब्लू कवर गैजेटियर ठीक है और ओल्ड गैजेटियर देखे हम तो ये कौन कौन सी है पी आर एस पी आर एस क्या है आपके पास में लॉ की बुक्स हैं तो यहां से पी आर और एस लॉ की बुक्स हैं कि क्या गया आपके पास में Q पी आर एस लॉ है क्यों टी एंड अब आपसे पूछा क्या गया ब्लू कवर ब्लू कवर में कौन सी है हां जी आर Q टी ओके okay, यहाँ पे देखो ओल्ड कौन सी है क्यूटी बेटा पे भी आ रहा है और आर भी आ रहा है ठीक है तीनों ही है बट यहाँ पे देखो गेजीटियर की अगर मैं बात करू गेजीटियर की यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास में सिर्फ क्यू और टी है आर नहीं है दैट मीन्स की क्यू और टी क्यू और टी दोनों क्या है आपके पास में यस बुक्स ऑफ ओल्ड गजीटियर विद ब्लू कवर क्लियर सो आंसर यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा क्यू टी विल द

फॉलो द सेम पैटर्न ओ टर्म और इवन टर्म सेम पैटर्न फॉलो कर रही है okay? तो अब जिसने इस लाइन को रीड कर लिया वो तो करेक्ट करके आ गया होगा जिसने इस line को read नहीं किया वो रह गया अब देखो ओड पे क्या क्या है okay? अगर हम इवन टर्म्स की बात करें दैट मीनस कि ये सारे इवन है क्या है टू फोर टेन एटीन 28 एंड 40 नाउ फाइंड आउट द लॉजिक अगर हम यहाँ पे लॉजिक देखे तो देखो क्या लॉजिक है हाँ जी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 4 देन 6 देन 8 देन 10 एंड देन 12 ओके okay? इतने का डिफरेंस आ रहा देखो चार, तीन और चार, सात, सात और 6 13 13 और आठ, 21 21 और 10 31 31 और 12 कितना हो गया 43 43 ओके नाउ कम द सेकंड सीरीज सेकंड के अंदर देखते हैं क्या सेम लॉजिक लगा हुआ तो यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है बेटे ट्वेल्व का ही डिफरेंस है हाँ जी ट्वेल्व यहाँ पे टेन का डिफरेंस है बिल्कुल सही है यहाँ पे एट का डिफरेंस है बिल्कुल सही है यहाँ पे सिक्स का डिफरेंस है बिल्कुल सही है अब यहाँ पे आपके पास में फोर का डिफरेंस होना चाहिए बट आप यहाँ पे देख रहे हो कि डिफरेंस कितने का है टू का डिफरेंस आ रहा है कितने का चाहिए हमें फोर का डिफरेंस चाहिए और फोर का डिफरेंस कैसे बनेगा अगर मान लो मैं इस टर्म को चेंज करती हूं तो मेरे बाकी की सारी सीरीज रोंग हो जाएगी तो हमें क्या चेंज करनी है ये वाले टर्म मीनस इसकी जगह पे क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए ओके okay? अगर जीरो होगा तो हमारे पास डिफरेंस कितने का आ जाएगा फोर का आ जाएगा दैट मीन्स ऑप्शन ए जीरो विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर यस नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपके पास फॉलोइंग इज द मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन एंट्रीज द एंट्रीज फॉलो

यहाँ पे आप देख रहे हो नाइन से सिक्स गया थ्री तो यहाँ पे भी हमारे पास में एक टर्म तो, बन रही है। कर रहे है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखू थर्टीन माइनस टेन दैट मीनस की थ्री आना चाहिए क्लियर एक टर्म मिल गई अब यहाँ पे तीनों के अंदर थ्री थ्री है अब हमें दूसरा भी देखना है अल्फाबेट अल्फाबेट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है ए बी सी तीनों आ रहे हैं यहाँ पे भी क्या ए बी सी दैट मीनस की इस रो के अंदर भी तीनों आने चाहिए ए बी सी तो यहाँ पे ए है सी है बी नहीं है बी नहीं है तो बी हम लिख देते ओके तो okay? so, क्या हो जाएगा आपके पास में थ्री बी विल बी द करेक्ट आंसर डन यहाँ पे क्या आ रहा है यू आर गिवन टू आइडेंटिकल सीक्वेंसेस इन द रोज आपके पास में दो सीक्वेंस गिवन है अब नंबर सीरीज पे आजकल इस तरह का क्वेश्चन है पहले भी काफी आए हुए हैं क्या होता है कि एक सीरीज का पैटर्न आपको पहले फाइंड आउट करना है और वही सेम पैटर्न हमने अप्लाई करना है दूसरी सीरीज पे यही कहा गया है आपको तो फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर मैंने पहले पैटर्न देखना है कि पैटर्न है क्या तो अगर मैं पैटर्न देखूं तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मींस कि हाफ ठीक है उसके बाद 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसके बाद 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसके बाद 3.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और देन 4.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है।, okay? That means कि है, 5? ठीक है अब अगर मुझे A करना है, तो A कैसे आएगा मेरा जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे इसको ठीक है तो जब हम इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में टर्म क्या आ रही है नेक्स्ट यस दिस विल बी टू कितना आ जाएगा आपके पास 2.5 आ जाएगा ओके यस नेक्स्ट टर्म के अंदर आपको क्या करना है 1.5 से मल्टीप्लाई करना दैट मींस कि अगर मैं b को फाइंड आउट करूं दैट मींस कि इसको मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 1.5 से सिंपल सी बात है क्लियर कितना आ जाएगा ये ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 3.75 क्लियर

क्स्ट देखिये क्या है ए मैन एन एक्स फ्राइम प्लेस टू वॉक टुआर्ड्स इच अदर टर्ड्स ईच अदर मीन एक दूसरे की तरफ जा रहे है ठीक है से जा रहा है ठीक है और वाई बी से जा रहा है दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे है आगे क्या है आपके पास डिस्टेंस किलोमीटर पर स्पीड है वो कितनी है ओके एंड द स्पीड ऑफ वाई वाई वॉक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ one किलोमीटर पर hour इन फर्स्ट means फर्स्ट hour के अंदर उसने क्या कहा है कि 1 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है ठीक बट सेम स्पीड से नहीं जा रहा उसने दूसरे घंटे के अंदर अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है ठीक है सेकंड आवर के अंदर जो स्पीड है स्पीड कितनी हो गई है यस इन द सेकंड आवर द स्पीड इज 1.25 क्लियर देखोगी मैंने आपके पास एंड इन द सेकंड आवर एंड विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आर इन है द थर्ड दैट मींस कि ऐसे उसकी स्पीड बढ़े जा रही है ओके okay, क्लियर अब यहाँ पे देखिए साथ में आपके पास में क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट आई होप क्वेश्चन क्लियर है सभी को क्वेश्चन सभी को क्लियर है तो यहाँ पे देखिए आप हाँ जी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है हो क्या रहा है यहाँ पे हमारे पास में देखो कि दो आपके पास में ऑप्शंस गिवन करेक्ट दोनों में से कौन सी करेक्ट है अब सबसे पहले फाइव आवर्स की बात हो रही है कि हाँ जी फाइव आवर्स के बाद वो मिलेंगे तो फाइव आवर्स के अंदर देखिए कैसे पता चलेगा कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं तो उस केस के अंदर ओके okay, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब आ रहा है दैट मीन्स कि रिलेटिव uh, स्पीड से वो कवर करेंगे दोनों की स्पीड एड अप हो जाएगी एड अप हो जाएगी मीन्स फर्स्ट आर के अंदर अगर मैं फर्स्ट आर की बात करूं तो कितना डिस्टेंस कवर होगा यस फर्स्ट आवर के अंदर कितना डिस्टेंस कवर होगा 1.5 ये और 1 ये ठीक है दैट मींस कि 2.5 ओके okay, अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट के अंदर कितना हो जाएगा यस yes, 1.5 तो ये है और 1.25 ये 1.25 ये तो कितना हो गया ये ये 2.75 हो गया ओके okay, थर्ड के अंदर आपके पास में हो जाएगा ओके okay, तो यहाँ पे देखो अपने पास में नेक्स्ट के अंदर अगर मैं कहूँ थर्ड के अंदर तो थर्ड में कितना चला जाएगा यस थ्री किलोमीटर उससे अगली बार देखो ये तो 1.5 फिक्स है ना इस बार इसे चेंज हो रहा है इसमें 1.5 एंड 1.50 ठीक है अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपके पास में अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ में कितना हो जाएगा 3.25 एंड फिफ्थ आर के अंदर कितना हो जाएगा आपके पास 3.50

और ये हो गया, आपके पास नौ और चार तेरह और तो तो ये ये पे पे पूरा बन गया था तो कि फर्स्ट okay? तो हमारा करेक्ट है क्लियर अब अगर मैं बात करू में क्या ए और बी के बीच में मिलेंगे तो पहले अगर मैं चेक करूँ कि हाँ जी पांच घंटे में मिल है तो पांच घंटे में एक कितना कर रहा है बी कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ से ए और बी से तो यहाँ पे देखिए ए और बी से अगर हम एक्स की बात करें तो 1.5 किलोमीटर के बराबर की स्पीड से जा रहा है फाइव आवर्स के अंदर कितना कर लेगा 7.5 पॉइंट फाइव डेट हाफ और अगर हम यहां से देखते हैं तो ये भी बेटा अपने पास में कितना आ रही है वैल्यू हां जी दिस इज अगेन सेवन ओके okay, तभी टोटल आपके पास दैट मींस की बीच में वो दोनों मिल जाएंगे तो आंसर यहाँ पे ये दूसरा भी अपना करेक्ट है तो आंसर आ जाएगा बोथ वन एंड ओके यस नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिम मार्क्स आर सेम फॉर इच पेपर मैक्सिमम मार्क्स सभी के लिए

टोटल आपके पास में मार्क्स जो है बच्चे वो कितने बने 60 परसेंट आए हैं 360 हो गए टोटल कितना बना 360 मार्क्स आए ओके अब अगर मैं यहां से देखूं कि ये जो है ये रेशियो गिवन है रेशियो गिवन क्या है मेरे पास फाइव रेशियो सिक्स रेशियो सेवन रेशियो एट रेशियो नाइन रेशियो टेन क्लियर ये टोटल किसके इक्वल है

अड़तालीस हाँ क्लियर जी मार्क्स पता चल गए सभी के हमें अब हमेंट सिक्सटी मार्क्स अब चेक करो कि सिक्सटी से कम कितने के सिक्सटी से कम कितने के ये भी कम है ये भी कम है ये भी कम है, भी कम, है. कि तीन के कम है तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में तीन थ्री विल बी द करेक्ट आंसर

कितने हैं इंडियंस थर्टी है जो कि इंग्लिश बोल सकते पहला पॉइंट अब यहाँ पे थर्टी वाला जो केस है ना ये तीन आ रहे हैं बेटा है ना यहाँ पे आप गलती करके आए होगे यहीं पे आप लोगों को कंफ्यूजन है कि मेरा कौन सा आंसर आना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे देखो थर्टी तो आ गया पर दूसरा एक और पॉइंट ये भी तो है ये भी तो है कि अगर मान लो अगर मान लो कि ये जो फोर्टी के फोर्टी फॉरनर्स है सारे इंग्लैंड के थोड़ी न है पाकिस्तान के भी हो सकते हैं मीन्स उनको इंग्लिश नहीं आती पर इंडिया से तो फॉरनर ही हो गए मीन्स कि अगर इन 40 के 40 को इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है दैट कि यहां से सिर्फ 39 है मान लीजिए ठीक है अगर यहां से 39 हो गए तो हमें तो टोटल 70 चाहिए ना इंग्लिश वाले दैट मीनस कि फिर इंडियन कितने हो गए इंग्लिश वाले 31 हो गए ओके सेम वे यू कैन से दिस कैन बी 32 टू मीन आंसर क्या हो जाएगा 30 और मोर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर तो जिन जिन का भी ऑप्शन डी है बेटा उनका बिल्कुल करेक्ट है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को सभी को क्लियर है सिर्फ थर्टी आंसर नहीं आएगा सिर्फ थर्टी आंसर नहीं आएगा कि कोई कंफर्म नहीं है कि है जी जो सभी फॉरनर्स को इंग्लिश आती है ठीक है ना सारे के सारे फॉरनर्स इंग्लिश जानते हैं यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि ऑल दिन स्पीक इन इंग्लिश कहीं पे भी नहीं मेंशन है क्वेश्चन के अंदर ओके नेक्स्ट देखिए

सम है तो लास्ट ईयर भी अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा हो तो लास्ट ईयर भी इसी कंसेप्ट क्वेश्चन आया हुआ था और अभी फिर इसी कंसेप्ट क्वेश्चन आया नंबर फॉर्मेशन बार बार कहते हैं नंबर फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट अब देखो अगर थ्री डिजिट के नंबर है ठीक है दैट मीनस कि हम ये कह सकते हैं मेरे नंबर क्या एक्स वाई जेड ठीक है दूसरा क्या बन जाएगा एक्स जेड वाई या फिर वाई एक्स जेड वाई जेड एक्स या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जेड एक्स वाई और जेड वाई एक्स मुझे दिखने में नंबर ऐसा लग रहा है एक्चुअल में थोड़ी ना अगर मैं इसको नंबर को देखूं तो ये क्या बनेगा मेरे पास में? दिस इज इक्वल टू वेड एक्स प्लस एक्स एंड दिस इज हंड्रेड वाई प्लस टेन एक्स प्लस जेड दिसन जेड प्लस एक्स डाउट हो आई होप फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है इस पर मैंने पूरा एक लेक्चर दिया था आप लोगों को याद हो तो ठीक है तो अब यहाँ पे उसने क्या कहा कि सभी का सम देखना S क्या है इन सब का सम है अगर सम की बात करें तो देखो हंड्रेड हंड्रेड टू हंड्रेड एक्स ठीक ट्वेंटी एक्स एंड दिस इज टू दैट मीनस कितना टू ट्वेंटी टू हो गया सेम बे टू ट्वेंटी बन गया आपके पास क्लियर अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास में मल्टीपल किसका बन रहा है yes, इसका अगर मैं फैक्टर्स करती हूँ तो ये हो गया आपके पास में सेवेंटी फोर इंटू थ्री सेवेंटी फोर इंटू थ्री तो यहाँ पे अपने पास में आ रही वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ना? अब यहाँ से भी स्टूडेंट्स गलती करके आए क्या गलती करके आए कि यहां से उनको लग रहा है, कि 74 का है कि पहले से तो डिविजिबल है ठीक है तो जरूरी नहीं है कि वो तीन का मल्टीपल हो ठीक है अगर आपके पास में ये एक लाइन ना गिवन होती यहाँ पे क्या कह रहे हैं विच इज मल्टीपल ऑफ थ्री ध्यान से देखिए अगर ये मल्टीपल ऑफ थ्री गिवन नहीं होता तो आपके पास सिर्फ फर्स्ट आंसर आ जाता है थ्री का मल्टीपल है थ्री भी है ठीक है मीन इसका एक फैक्टर थ्री भी है आप इसको ऐसे कह सकते हो क्लियर

there are two classes a and b this has 25 students and this class has 30 students okay in class a the highest score is 21 and lowest score is 17 that means ki jo marks hain marks 70 to 21 ke beech mein lie kar rahe hain in the class b highest score is 30 and lowest is 22 that means ki yahan pe jo marks hai marks lie kar rahe hain aapke paas mein 22 aur 30 ke beech mein clear now given that four students are shifted from section a to b मीन्स फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास के अंदर फोर स्टूडेंट शिफ्ट हो गए जब फोर स्टूडेंट शिफ्ट हो गए हैं तो उस केस के अंदर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आएंगे ठीक है तो उनके मार्क्स सभी के मार्क्स ट्वेंटी से टू से कम है सभी चीज कोई मर्जी आई चाहिए यहाँ पे आप ये कह लो कि जो हाईएस्ट स्कोरर है अगर वो भी स्टूडेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है बी क्लास के अंदर तो उसके भी मार्क्स ट्वेंटी टू से कम है

यहाँ पे इधर से तो कोई इधर नहीं आ रहा हाँ अगर यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन होता कि बी से ए के अंदर शिफ्ट हो गए कुछ स्टूडेंट्स ठीक है बी से कुछ स्टूडेंट्स ए में शिफ्ट हो गए तो हम यहाँ पे कह सकते थे यहाँ पे हम कह सकते थे कि हाँ जी इंक्रीज होगा बट यहाँ पे तो शिफ्टिंग कैसे हुई है शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी ए टू बी है दैट मीनस कि इंक्रीज नहीं होगा ओके सो वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर यस नेक्स्ट देखिए यस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में टू स्टेटमेंट्स आर गिवन प्रिया इज फोर रैंक्स ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है बिलो सीमा एंड थर्टी फर्स्ट फ्रॉम द बॉटम सेकेंड है इना इज टू रैंक अबाउ द सीमा एंड थर्टी फ्रॉम द बॉटम वट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट फोर्टी के अंदर से सीमा का रैंक आपको बताना अब यहाँ पे देखो मैं पहले भी आपको डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चन करवाए थे तो मैंने कहा था करने की जरूरत नहीं होती आप सिर्फ लॉजिक देखो यहां पे देखिए क्या कह रहे हैं प्रिया का रैंक फोर बिलो है किससे सीमा से सी है। आ, ठीक है और प्रिया का है थर्टी फर्स्ट फ्रॉम बोटम तो से वो थर्टी फर्स्ट है कौन प्रिया और इसका रैंक क्या है फोर्थ अबो है ओके क्लियर फोर्थ रैंक है यहाँ पे उसने अबाउ नहीं कहा उसने क्या कहा कि हाँ जी फोर्थ है यहाँ पे कहना है कि प्रिया सीमा प्रिया इज फोर्थ रैंक बिलो फोर्थ रैंक प्रिया अगर बिलो है दैट मींस कि जो सीमा है वो अबाउ है अगर यहाँ से उसका मुझे बिलो से रैंक पता चल गया दैट मींस कि यहाँ से हम उसका रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से उसका रैंक फाइंड आउट हो जाएगा बताओ कोई डाउट हाँ जी कोई डाउट यहाँ पे क्लियर इसी तरह से अगर हम इना की दूसरी स्टेटमेंट की बात मींस की फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट वी कैन फाइंड आउट द रैंक ऑफ सेमा फ्रॉम टॉप अब यहाँ पे दूसरा देखिए हाँ जी दिस विल बी सिक्स बेटा थर्टी सिक्स हो जाएगा ना यस yes. यहाँ पे क्या क्या फोर्थ रैंक बिलो थर्टी सिक्स थर्टी वन है थर्टी वन से फोर बिलो जा रहा है वो फोर बिलो का आया ना उसने तो यहाँ की फोर अबव हो गया कि यहां से इसके बाद अब तो फोर तो बीच में ही आ गया ना ठीक है हाँ जी नेक्स्ट देखिए आपके पास इनाइज टू रैंक अब सीमा।, सीमा का स्कोर क्या है थर्टी सेवन इना का स्कोर क्या है आपके पास में बिलो से यस yes, बिलो से क्या है पोजीशन थर्टी सेवंथ फ्रॉम बॉटम 37th from bottom and ranks two above और ये इसे two above है यहाँ से अपने पास में position, sorry, यहां पे बेटा आएगी ठीक है और यहां से अपने पास में फोर्थ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आएगा आपके पास यस थर्टी वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है और ये टू बिलो होगी तो ये यहाँ पे भी कितनी आएगी इसकी फिफ्टींथ होगी ठीक है स की सीमा की पोजिशन अगर मैं बिलो देखूँ तो क्या है 35th है क्लियर तो तो दोनों से पोजिशन कौन सी आ जाएगी फिफ्थ पोजिशन आ जाएगी फ्रॉम टॉप तो यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन क्या आएगा की जी क्या कहेंगे हम दोनों की जरूरत है दोनों की जरूरत नहीं है अगर कल कल्ली मेरे पास में फर्स्ट स्टेटमेंट है

एफ e, अब देखो जो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे ये हमें सिर्फ यही बता रही है कि हेवियर है, है हमें ये नहीं पता है यहाँ पे कि हाँ जी ए और डी के अंदर कंपैरिजन नहीं कर सकते आप बी ई एफ के अंदर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते सेकंड स्टेटमेंट क्या है ए इजियर देन डी ए इज कि यहाँ से मुझे ए और डी का कंपैरिजन मिल गया और ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन था ठीक है हाँ जी

हैवीएस्ट है वो कौन है सी है तो आप इसको आंसर कर सकते हो दैट मीन्स व्हाट की क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर ओके यस नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपके पास इन इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट फोर लेटर आर रिटर्न इन अपोजिट ऑर्डर एंड देन नेक्स्ट फोर आर रिटर्न इन अपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन एंड एट द एंड वाई एंड जेड आर इंटरचेंज्ड टोटल ट्वेंटी फोर फोर है कि तक रिवर्स हो जाएंगे, एंड में क्या बच जाएगा आपके पास वाई और जेड वाई जेड को एंड में रिवर्स कर दिया right letter, right अब देखो, अगर मैं देखू फर्स्ट फोर फर्स्ट फोर को रिवर्स कर दिया फिर four, फिर नेक्स्ट फोर फिर नेक्स्ट फोर फिर नेक्स्ट फोर इस तरह से जा रहा है आपके पास में क्लियर अब यहाँ पे देखो लिखने की जरूरत नहीं है आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी आप ऐसे लिखोगे इसको यस डी सी बी ए ठीक है फिर उसके बाद हम लिखेंगे ई एफ जी एच नहीं जरूरत नहीं है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो जरूरत नहीं है ठीक है अगर नहीं है तो भी कोई लिख लेंगे कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर ठीक है अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ थर्टीन लेटर थर्टीन से फोर्थ थर्टीन यहां से means 13, और उसी की राइट में फोर्थ कि मुझे कौन सा चाहिए letter चाहिए 17th letter चाहिए 17th letter चाहिए बेटा कि तो यहां तक मेरे पास में कहाँ तक आ गया होगा हाँ जी लेटर 16. तक मेरे पास में यहां पे आ गया P तक हम आ गए हैं यहाँ पे अब उसके बाद में मेरे पास में q r s t ऐसे होगा और ये रिवर्स हुए होंगे जब रिवर्स हुए होंगे दैट मींस कि कैसे आएंगे q r s t ओके okay? अब 16 के बाद में 17th पोजीशन पे क्या आएगा t आ रहा है ना दैट मींस कि आंसर क्या आ जाएगा आपके पास t आ रहा है हाँ जी सिंपल बिल्कुल क्लियर है कोई डाउट इसके अंदर किसी को कोई डाउट क्योंकि आंसर की अगर सिर्फ हम देते हैं तो उस केस के अंदर में होता है कि हाँ जी पता नहीं सही है गलत है कई बार वैसे भी आ, लिखने में भी गलती से भी सिर्फ बी की जगह टी हो जाता है ठीक है ना इसमें कोई वो नहीं बट अगर आप सोल्यूशन देखते हो तो सोल्यूशन से हमें कन्फर्मेशन हो जाते हैं कि हाँ जी बिल्कुल लॉजिकली क्वेश्चन को समझाया गया तो यही आंसर होगा ठीक है तो यहाँ से बिल्कुल आपकी कन्फर्मेशन हो रही है तो कुछ क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कुछ क्वेश्चन अभी हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस किए नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओके सो इट वॉज आल फॉर टूडे यस थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर थैंक यू